वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयं यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज के मुख्य विषय को प्रारंभ करने से पूर्व एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले करीब लगभग 7-8 वर्ष से हम प्रति पूर्णिमा को यहाँ इस सत्संग का आयोजन करते हैं और ये जो सत्संग है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पर संस्थान के यूट्यूब चैनल पर भी वो प्रसारित किया जाता है। पिछले महीने हमारी टीम के जो सदस्य लोग हैं उन्होंने एक आकलन किया कि वे कितने लोग इसको देखते हैं, कितने लोग इसको शेयर करते हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो देखा ये गया कि बहुत कम लोग ऐसे हैं। स्वयं तो देख लेते हैं, स्वयं सुन लेते हैं, किंतु उसको आगे बढ़ाने का जो कार्य है, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का, लाइक करने का, अपने मित्रों को भेजने का, तो इसमें जो है हमारे लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। शास्त्र में कहा गया है सत्कुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रुम इष्टम धर्मे नियोजयेत। उसका अर्थ यह है अगर आपके घर में कन्या हो तो क्या करना चाहिए, सत्कुले योजयेत कन्याम, किसी अच्छे कुल में उसका विवाह कर देना चाहिए, और पुत्र हो तो क्या करें, पुत्रम विद्यासु योजयेत, पुत्र को विद्याभ्यास में प्रवृत्त करना चाहिए। व्यसने योजयेत शत्रुम, शत्रु है उसको क्या करें, उसको रोज 100-200 रुपए देके व्यसने योजयेत, उसको व्यसन के मार्ग में लगा देना चाहिए। किसको, शत्रु, पुत्र को नहीं, शत्रु को। व्यसने योजयेत शत्रुम इष्टम धर्मे नियोजयेत, और जो इष्ट है, इष्ट यानी कौन, ऐसे लोग जिनका भला हो ऐसा हम चाहते हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे आप्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे भाई लोग हैं, ऐसे जो लोग हैं जिनका कल्याण हो, जिनका अच्छा हो, जिनका भला हो, जिनका मंगल हो, ऐसी हमारी अपेक्षा होती है, उनको धर्म के मार्ग में प्रवृत्त करना चाहिए। तो ये जो सत्संग है इसको आगे बढ़ाने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से, अपने इष्ट मित्रों को ये भेजने से क्या हो जाता है, इष्टम धर्मे नियोजयेत, ये कार्य जो है परिपूर्ण होता है। वरना क्या है, हमारी आदत क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना एक सेल्फी ले लिया, अपना कोई एक फोटो ले लिया, अपना एक भेज दिया, फोटो भेज दिया, वो भेज दिया, ये भेज दिया, कोई जोक भेज दिया, किसी का गाना भेज दिया, किसी का फोटो भेज दिया, किसी का वीडियो भेज दिया, किसी अभिनेत्री का, नहीं अभिनेत्रियों का नाम दूसरे लोग ले रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी अभिनेत्री का, किसी नेता का, किसी पॉलिटिशियन का, वो क्लिप भेज दिया, ये क्लिप भेज दिया, उससे धर्म का कुछ कार्य नहीं होता, केवल मनोरंजन होता,
वो बुरा है ऐसा भी नहीं कह रहा मैं, मनोरंजन होता है, किंतु इष्टम धर्मे नियोजये, जो हमारे इष्ट हैं जिनका कल्याण हो ऐसी हमारी अपेक्षा है, उनको ये अवश्य फॉरवर्ड करना चाहिए। इस भूमिका के साथ आज के विषय को हम प्रारंभ करेंगे। एक बड़ी समस्या हो जाती है, जैसे जैसे पूर्णिमा निकट आती है वैसे वैसे मेरी चिंता बढ़ने लग जाती है। चिंता इस बात की बढ़ती है कि इस पूर्णिमा को कौन सा विषय ले। ऐसा है कि विषय अनेक हैं, किंतु सर्वसाधारण साधकों को समझ में आए और उनके बौद्धिक स्तर के हिसाब से वो विषय, उस विषय का उनको आकलन हो, ऐसे विषयों को चुनना पड़ता है। तो विषय चुनने में बड़ी समस्या हो जाती, कौन सा विषय चुने, कौन सा विषय चुने। तो इस पूर्णिमा का भी यही था कि कौन सा विषय चुने, कौन सा विषय चुने, कौन सा विषय चुने। तो जब भी कोई समस्या आती है तो प्रभु महाराज उसका निराकरण कर देते हैं। कल रात को, कल शाम में एक प्रभु भक्त हैं, व्यापारी हैं, वो और उनका बेटा दोनों आए कल शाम में, कल या परसों शाम आए। उन्होंने कहा, महाराज जी आपसे एक दो मिनट प्राइवेट में बात करते हैं। ठीक है, प्राइवेट में बात करेंगे। तो कहने लगे कि महाराज ऐसा है, हमारा सोने चांदी का व्यापार है, हमारे बाप दादा के जमाने से हमारा सोने चांदी का व्यापार है और मैं उसको चला रहा हूँ, मेरा बेटा भी उसी धंधे में है, किंतु अब जो है हम पिता पुत्र के अंदर मतभेद आ गया। मतभेद आ गया, किस बात का मतभेद आ गया? तो पुत्र कहता है कि ये सिर्फ सोने चांदी का धंधा कब तक करेंगे, हम डाइवर्सिफाई करेंगे, हम जो है एक कपड़े की दुकान भी लगाएंगे, हम एक साड़ियों का शोरूम भी लगाएंगे, हम वो भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, ऐसा पुत्र का कहना है। और पिता जो थे उनका कहना ये था कि नहीं, हमारा जो धंधा है जितना बाप दादा के जमाने से जो चल रहा है उसी को लेके आगे चलेंगे। इस बात के ऊपर झगड़ा, किसके अंदर? बाप बेटे के अंदर झगड़ा। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए वो यहां पर आए थे। तो मैंने देखा पिता की उम्र जो है लगभग 60 साल की उम्र, और बेटे की उम्र लगभग 30-32 साल की उम्र। तो पिता का कहना यह था कि ये जो कुछ है ये मैंने कमाया है, ये मैंने अपनी मेहनत से मैंने ये सब कमाया है, और अब ये जो है इसको मतलब कपड़े की दुकान लगा, साड़ी की दुकान लगा, वो दुकान लगा, ये दुकान, ऐसे महाराज ये तो सत्यानाश कर रहा पूरा। बेटे का कहना यह था कि जब तक आपने काम किया तब तक किया, अच्छा ही किया, किंतु अब आपकी उम्र हो गई, अब जो है 60 साल हो गई उम्र, और गवर्नमेंट के हिसाब से यू आर ड्यू फॉर रिटायरमेंट। अब जो आगे का कार्यक्रम है वो मैं संभालूंगा, इनसे कहिए कि गपचुप बैठे। महाराज हनला तुम्हें सांगा उगीच राम 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 करत माणिक माणिक जय गुरु माणिक करत घरात बसा बसा, यानी आगव करते फार दुकानामध्ये। तो क्या करें? तो वो मुझे विषय वहां मिल गया कि 55 साल 60 साल के बाद आदमी को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब जितने भी है ना, हम लोग सब उसी कैटेगरी में, तो क्या करना चाहिए। तो ऐसा है कि परमात्मा ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की है। आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धंगतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरंग चंचलतरे सौख्यम कुत प्राणिनाम। ऐसा भर्तृहरि ने कहा है, आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम, आयु जो है हमारी मनुष्य की, नृणाम मनुष्य की,
परिमितम, परिमित यानी लिमिटेड, कितनी है? वर्ष शतम, 100 साल की आयु। रात्रौ तदर्धम गतम, 100 साल में से आधी उम्र जो है वो रात्रौ रात में गुजर जाती है, बचे कितने? केवल 50 बचे। तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयो, वो जो 50 बचे उस 50 का भी आधा करें उसका भी आधा करें तो 12.5 साल इस तरफ, 12.5 साल उस तरफ जो है वो बालत्व वृद्धत्व यो हो, किसी काम के नहीं। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता। तो 12.5 साल बचपन में गुजर गए जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ, और 12.5 साल बुढ़ापे में गुजर गए जब शरीर जर्जर हो गया। 50 में से कितने चले गए, बचे कितने? 25 बचे। शेषम व्याधि वियोग दुख सहितम सेवादि भिर्नियते, जो बचा हुआ है उसमें से भी, वो 25 में भी व्याधि वियोग और दुख इनसे युक्त है, शुद्ध नहीं है वो 25 भी। उस 25 के अंदर भी व्याधि है, वियोग है। माणिक नगरला गेलो तो महाराज काय झालं, तर ते माणिक नगरला तिथं माणिक विहार मध्ये मोबाईल राहून गेलं, मोबाईल म्हणजे छूट गया, वियोग दुख व्याधी। 25 के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, सेवा, और उसके बाद क्या? उसके बाद नौकरी चाकरी धंधा काम, सेवा दिभिर्नियते। जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुत प्राणिनाम, और जीवन कैसा है? वारी तरंग, पानी की तरंग, पानी के बुदबुदे से भी चंचल, चंचल तरे, चंचल तर है। ऐसी अवस्था में सौख्यम कुत प्राणिनाम, प्राणियों को सुख कहां से मिलेगा, ऐसा भर्तृहरि ने प्रश्न पूछा। तो अब आप देखिए कि हमारा जो जीवन है 100 साल का है, और उसमें सबसे अधिक कठिन कौन सा काल है? जब आप 20 साल के थे तो जीवन कठिन लगता था क्या? 25 साल के थे तब कठिन लगता था क्या? अब जब 60 साल के हो गए तब जो है जीवन जो है वो अत्यंत कठिन है, ऐसा हमको मालूम पड़ता है। और इसका वर्णन, ये 60 साल के बाद की जो अवस्था है इसका वर्णन भी भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर किया है। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते च बान्धवजनाः भार्यान शुश्रूषते हाकष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते। कितना सुंदर वर्णन किया। कहते हैं गात्रं संकुचितम्, शरीर जो है वो संकुचित हो गया। संकुचित हो गया यानी क्या? वीक हो गया शरीर के अंदर, अब पहले जैसा बल नहीं रहा। गतिर विगलिता, और चलना जो है जिस विश्वास के साथ हम चलते थे अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा। सीढ़ी उतरते वक्त रेलिंग को पकड़ना, उठते वक्त घुटने पे हाथ रखना, बैठते वक्त किसी का हाथ पकड़ना, है गतिर विगलिता। गति जो है चलने की, हमारी जो है चाल चलन में सब में एक प्रकार का एक वीकनेस दिखाई देता। भ्रष्टा च दंतावली, दंतावली दांत जो है वो भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट हो गए यानी क्या? इधर का एक गिर गया, इधर का एक गिर गया, है दंता च भ्रष्टा। दृष्टिर नश्यति, दृष्टि जो है वो क्या?
दूरच दिसत नाही, महाराज दिसत नाही, दूरच दिसत नाही, तुला काय होतं मला जवळच दिसत नाही, तुला काय मला मुळीच दिसत नाही. दृष्टीर नश्यती वर्धते बधिरता. बधिरता यानी क्या, कानों को सुनाई नहीं देता. वो हमारे पिताजी हमेशा कहा करते थे, एक आदमी यहां से हुमनाबाद जा रहा था, एक आदमी हुमनाबाद से वापस आ रहा था, तो रास्ते में ये पुल है ना हमारा डेपो का, वहां पर दोनों की मुलाकात हुई. मुलाकात हुई तो नमस्ते नमस्ते बोले, इसने नमस्ते बोला, उसने नमस्ते, काय कुठं हुमनाबादला चाललात काय, पूछा एक ने, काय कुठं हुमनाबादला चाललात काय, नाही नाही मी जरा हुमनाबाद पर्यंत चाललो होतो, अस मी समजलो तुम्ही हुमनाबादला चाललात काय. वर्धते बधिरता, बधिरता बढ़ जाती है. वक्त्रंच लालायते, और मुख से सतत जो है लार गिरने लग जाती है. वाक्यम नाद्रियते च बांधवजनाः, और जो बांधवजन है, बांधवजन यानी आप्त इष्ट रिलेटिव्स, जो घर के परिवार के लोग हैं, वो सब वाक्यम नाद्रियते, उसके वाक्य का आदर नहीं करते. जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो क्या, उसके वाक्य का न अद्रियते, उसके वाक्य का आदर नहीं करते. हे आमचे बाबा असंच म्हणत राहते त्यांचं काय. भार्या न शुश्रूषते, और पत्नी जो है वो पहले जिस तरह से सेवा करती थी उस तरह से, युर्दो युर्धिंगे, पत्नी जो है भार्या न शुश्रूषते. हा कष्टम पुरुषस्य जीर्ण वयस, कितना कष्टप्रद है ये जीर्ण वयस. पुत्रोप्य मित्रायते, पुत्रः अपि अमित्रायते, पुत्र भी जो है वो अमित्र बन जाता है. जैसा मैंने कहा ना, आमच्या बापाला काय कळत नाही, कपड्याचं दुकान लावतो म्हणलं ते नको म्हणलं, त्यांना काय करायचं गप बसा म्हणत ना. पुत्रोप्य अमित्रायते, ऐसी अवस्था हो जाती है. किंतु ये बात समझ में आने आने तक ये सारे लक्षण हमारे अंदर घटित होने लग जाते. शास्त्र कैसा है, वो जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना वैसा है, वो पहले से पीला बना, पीला बताता है, पहले पीली लाइट लगती है उसके बाद लाल लाइट लगती है. शास्त्र आगाह करता है, सावधान करता है, किंतु हमारा जोश ऐसा है कि हम वो ट्रैफिक लाइट को, ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं. हमारे यहाँ शास्त्रों में एक जीवन पद्धति बताई गई है कैसे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क है. देखिए, पाश्चात्य विचारधारा और हमारी विचारधारा, उसके अंदर मूलभूत फर्क है, बेसिक डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है, तो पाश्चात्य विचारधारा जो है वो केवल इस जन्म को जीवन मानती है, केवल इस जन्म को, इस देह के जन्म से लेकर इस देह की मृत्यु तक का जो काल है उसी को लाइफ कहा जाता है. और हमारा जो जीवन दर्शन है उसके अंदर ये अनंत, अनादि अनंत है. हम कब से हैं, हम अनादि काल से हैं और हम अनंत काल तक रहेंगे. चाहे रूप बदल जाए, चाहे शरीर बदल जाए, चाहे कुल बदल जाए, चाहे गोत्र बदल जाए, परिवार बदल जाए, योनि बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, किंतु हम जो हैं वो रहेंगे. और हमारे तो उसके अंदर कैसा है, पाश्चात्य जीवन शैली में भोग प्रधान है, भोग प्रधान है. और हमारी जो संस्कृति है वो त्याग प्रधान है. उनकी जो संस्कृति है उसका गोल शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये 50-60 साल 70 साल का गोल है सिर्फ. और हमारा जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल है. हमको कहां तक जाना है
जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष तक पहुंचना है, उसके लिए चाहे 10 जन्म लगे, चाहे 50 जन्म लगे, चाहे 100 जन्म लगे, चाहे 1000 जन्म लगे, हमको वो गोल अचीव करना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और हमारी संस्कृति में उस मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट ऐसी जीवन शैली बताई गई है। उस जीवन शैली में 4 आश्रम कहे गए, आश्रम 4 आश्रम कौन कौन से? तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम। इन 4 आश्रमों में धीरे 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 करके जब हम प्रगति करते चले जाते हैं तो अंततः जो है हम कहां पहुंचते हैं? तो मोक्ष तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? पहला जो आश्रम है उसको ब्रह्मचर्य कहा गया है। ब्रह्मणे वेदार्थम चर्यम आचरणीयम ब्रह्मचर्यम। जिस आयु में, जिस आश्रम में, जिस अवस्था में हमारी संस्कृति में वेदाध्ययन का प्रावधान था, आजकल तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं विद्याभ्यास, हम आज की भाषा में अगर कहें तो विद्याभ्यास करने का जो काल है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। और ब्रह्मचर्य आश्रम के जो नियम हैं वो नियम वेदाभ्यास के लिए तो आवश्यक है ही है, साधारण लौकिक शिक्षा के लिए भी वो आवश्यक है। साधारण जो लौकिक शिक्षा है उसके लिए भी वो नियम जो है वो आचरणीय है। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, अभ्यास करो, होमवर्क करो, हाँ इधर उधर ध्यान मत भटकाओ, ज्यादा फेसबुक और ये मत करो, क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब, उसमें मत टाइम डालो, हाँ फोकस रहो, अभ्यास करो, ये सारे नियम जो है ये ब्रह्मचर्य आश्रम के नियम है। विद्याभ्यास का काल जो है उसके लिए शास्त्र ने 100 साल की उम्र पकड़ी और उसमें से 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य है। उसके बाद क्या? उसके बाद शास्त्र ने प्रावधान किया गृहस्थ आश्रम का। गृहस्थ आश्रम यानी क्या? न ग्रहम ग्रहम इत्याहु ग्रहिणी ग्रहम उच्यते अतएव ग्रहेषु दारेषु तिष्ठति अभिरमते इति गृहस्थः। विवाह करके परिवार के साथ जो है अपनी जितनी भी लौकिक इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं हैं उनको पूर्ण करो। तुम्हारा दिल कश्मीर जाने का है, कश्मीर जाओ। तुम्हें सिनेमा देखना है, सिनेमा देखो। तुम्हें विवाह करना है, विवाह करो। परिवार को बढ़ाना है, बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा करो। घर खरीदना है, घर खरीदो। कार खरीदनी है, कार खरीदो। हाँ, जो मजा करना है करो। क्यों? शास्त्र ने ऐसा क्यों कहा? 25 से लेके 50 साल तक तुम जो है विवाह करो, परिवार के साथ रहो, घर बनाओ, कार खरीदो, और क्या तुमको क्या कश्मीर जाना कश्मीर जाओ, लंदन जाना लंदन जाओ, अमेरिका जाना अमेरिका जाओ, कुछ भी करो, मजा करो, खाओ पियो, मजा करो। गृहस्थ आश्रम क्यों ऐसा है? आप लोगों के घर में प्रेशर कुकर है? अदल है। प्रेशर कुकर में जब चावल वगैरह दाल वगैरह पकाते हैं तो जैसे ही गैस ऑफ करते हैं वैसे ही उसको निकाल के खा सकते हैं क्या? प्रेशर कुकर में से दाल को, चावल को एकदम से निकाला आपने, निकाल के आपने बंद कर दिया, बंद करके खोला, खोल के खा लिया, खा सकते हैं क्या? क्या करना पड़ता है? उसके अंदर जो जमा प्रेशर हुआ है उसको रिलीज होने देना है, उसके बाद वो अन्न खाने लायक बनता है। उसके बाद वो अन्न जो है वो खाने लायक बनता है।
उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो सीटी को दबाते हैं, उठाते हैं, कुछ करते हैं, क्या करते हैं, उठाते हैं ऐसे, हाँ उसको ऐसे उठा देते, तो भुस करके वो सारा प्रेशर जो है वो निकल जाता है। ऐसा है, इसकी आगे की अवस्था जो है वो उपासना की है। गृहस्थाश्रम जो है वो कर्मयोग है। गृहस्थाश्रम क्या है? कर्मयोग है। उसके अंदर कर्म करना है, पंच महायज्ञ करने हैं, समाज का कल्याण करना है, अपने बांधवों का कल्याण करना, अपना स्वयं का कल्याण करना है, सारे काम करने हैं। उस अवस्था में हमारी जो इच्छाएं, हमारी जो आकांक्षाएं, हमारी जो कामनाएं, हमारे मन के अंदर जो जो भरा हुआ है वो सारा रिलीज कर देना है। वो सारा रिलीज कर दिया, अब क्या हो गया? अब वो सारा प्रेशर समाप्त हो गया। अब क्या हो गया? अब सारा प्रेशर उसके अंदर से भुस करके निकल गया। गृहस्थाश्रम समाप्त हुआ। कब, कहां समाप्त हुआ? 50 तक आते आते गृहस्थाश्रम की ड्यूटीज जो है, आपने विवाह किया, आपको पुत्र हो गया, पुत्री का विवाह किया, पुत्र का विवाह किया, घर बनाया, कार खरीदी, वो किया, ये किया, व्यापार धंधा उद्यम सब कुछ आपने सेटअप कर दिया। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम, और उस विषय में शास्त्र में कहा गया है, पुत्रम उत्पाद्य वनवासम कृत्वा अकृष्ट पच फलादि भक्षयित्वा ईश्वर आराधनम करोति यह सवानप्रस्थ। पुत्रम उत्पाद्य, पुत्र उत्पन्न होने के बाद उसको सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद वनवासम कृत्वा वन में वास करना चाहिए। और शास्त्र ने कहा अकृष्ट पच फलादि भक्षयित्वा, अकृष्ट पच फलादि यानी क्या, ऐसा फल या ऐसा कुछ धान्य जो के किसानी करके खेती करके न उगाया हो, वरना वहां जाके वो एक ट्रैक्टर, दो बैल, एक गाय, एक भैंस शुरू हो जाएगा वहां पर। अकृष्ट पच फलादि यानी क्या, जो प्राकृतिक रूप से लगे हुए फल इत्यादि जिनके लिए मनुष्य को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ऐसे जो फल फूल इत्यादि हैं भक्षयित्वा उनको खाकर ईश्वर आराधनम करोति, ईश्वर का आराधन करता है यह जो स वानप्रस्थ, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। महाराज पूर्वीच्या काळात मध्ये वन होती, आता कुठाय वन, आम्ही कुठे जाओ, कुठं गेलं तिथं शेत, कुठं गेलं तिथं बिल्डिंग, कुठं गेलं तिथं प्लॉट। अब वन है क्या? अब वन में जा सकते हैं क्या? ऐसा है, शास्त्र के तात्पर्य को ग्रहण करना चाहिए। शब्दशः अगर हम जाएंगे तो फिर वो संभव नहीं होगा। प्रभु महाराज ने एक स्थान पे बड़ा सुंदर कहा, मन वैराग्य वनात भकोरे देमलाई तुके रघुराया। इस पद में प्रभु महाराज कहते मन वैराग्य वनात भकोरे, शरीर आपका चाहे हैदराबाद में रहे, बंबई में रहे, पुणे में रहे, फ्लैट में रहे, नौवीं मंजिल पर रहे, पांचवीं मंजिल पर रहे, पंद्रहवीं मंजिल पर रहे, मन वैराग्य बनात भकोरे, मन को वन में रहना चाहिए। समझ में आ रही बात? मन को वन में रहने की बात। और मुख्य क्या, ईश्वर आराधनम करोति। इस अवस्था में, इस आश्रम में मनुष्य को क्या करना चाहिए? ईश्वर आराधनम करोति, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए ईश्वर की उपासना इस अवस्था में? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि गृहस्थाश्रम में रहते हुए हमको उतना समय नहीं मिला। पहली बात, हमको उतना समय नहीं मिला गृहस्थाश्रम में रहते हुए। वो जिम्मेदारियां थी, घर बनाना था, बैंक बैलेंस बढ़ाना था, नौकरी करनी थी, पत्नी को लेके मॉल में जाना था, शॉपिंग करनी थी, वो करनी थी, ये करनी, वो सब करना था।
तो इसलिए जो है ईश्वर की आराधना करने का अवसर उतना नहीं मिला, अब टाइम मिला है, अब उसका उपयोग करो। एक बात ये हुई। दूसरी बात क्या, इसके आगे की जो देखिए ये कैसा है, प्रत्येक आश्रम अगले आश्रम की तैयारी, सब्सिक्वेंट जो आश्रम है उसकी तैयारी है। एक एक आश्रम ब्रह्मचर्य में क्या, विद्याभ्यास किया, क्यों, क्योंकि गृहस्थाश्रम सफल हो। गृहस्थाश्रम में हमने अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को, कामनाओं को पूर्ण किया, क्यों, क्योंकि वानप्रस्थ के अंदर ये इच्छाएं, ये आकांक्षाएं, ये वासनाएं बाधा न बने। और वानप्रस्थ के अंदर ईश्वर का आराधन इसलिए क्योंकि आगे की जो अवस्था है, आगे का जो आश्रम है वहां ज्ञान योग है। उस ज्ञान में ईश्वर के साथ ऐक्य की बात की गई है। ईश्वर को ही नहीं पहचानेंगे, ईश्वर से ही अगर प्रेम नहीं होगा तो ईश्वर से ऐक्य कैसे होगा, संभव है क्या? संभव नहीं है। ऐसा है कि वो विषयांतर हो जाएगा, किंतु ऐसा ज्ञान योग, इसके बाद की अवस्था सन्यास, सन्यास में ज्ञान योग। ज्ञान योग यानी क्या, ज्ञान योग यानी मैं जो अब तक अपने आप को देही समझता था, मैं जो अब तक अपने आप को जीव समझता था, वास्तव में मेरा स्वरूप वो नहीं है, मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूं। आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, आइडेंटिटी टोटल चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है, अब यहां इतनी महिलाएं बैठी, अब इतनी महिलाएं हैं, इनमें से किसी से प्रश्न पूछा जाए कि आप कहां के रहने वाले हैं, किसी से पूछ के देखिए आप कहां के रहने वाले हैं, तो वो महिला जो है कभी भी ये नहीं कहती कि मैं अमुक गांव की, अमुक शहर की हूं, कहां, जहां उसका जन्म हुआ, जहां उसके माता पिता हैं। अपने पति का जो घर है, ससुराल जो है, वो ही कहती हूं, तुम्ही कुठले, आम्ही माणीनर्स, माणिक नर्मदे जन्मलात काय, नाही माणिक नर्मदे शाळेला गेलात काय, नाही माणिक नर्मदे लहानाचे मोठे झालात का, नाही माणिकनगरला कधी आलात, लग्न झालं, विवाह हुआ उस दिन हम माणिकनगर आए, और माणिकनगर आपका हो गया, नाम पूछो आप, नाम भी जो है सहज, बचपन का जो पुराना नाम था, माता पिता जिस नाम से बुलाते थे वो मेरा नाम है ऐसा स्वीकार नहीं करते, आधार कार्ड में देखिए आप नाम क्या होता, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट में एक नाम होता, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में महिला का एक नाम होता, और विवाह करके ससुराल आने के बाद क्या आधार कार्ड के अंदर दूसरा ही नाम होता, गोत्र पूछे, कभी भी माता पिता का गोत्र नहीं बोलेंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी जो चेंज हो गई, इस बात को बड़ी गंभीरता से विचार कीजिए आप, ये आइडेंटिटी चेंज जो हो जाती है, व्यक्तित्व जो है बदल जाता है, कैसे, कैसे बदला, कैसे बदला, एकदम से कैसे बदल गया भाई। अब मान लीजिए कोई एक महिला है जिसका मायके का नाम मान लीजिए सरला, यहां आके कमला कैसे हो गई, विमला कैसे हो गई, जो सरला थी उसको सरला रहना चाहिए, वो विमला कैसे हो गई, कमला कैसे हो गई, कैसे हुई, आइडेंटिटी चेंज हो गई। आइडेंटिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि उस चेंज ऑफ आइडेंटिटी को उस महिला ने एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं बता रहा हूं, दूसरे कोई नहीं बताते, और मैं फुकट में बताता हूं। सोच के देखिए, जो सरला थी वो एकदम से विमला कैसे हो गई, मान लिया कैसे उसने अपने आप को विमला, ना विमला ही देनी, ऐसा कैसे हो गया, कैसे हुआ, क्योंकि उस महिला ने, उस स्त्री ने अपने व्यक्तित्व में उस परिवर्तन को स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस है वहां पर। और एक्सेप्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि
उस परिवार से, उस घर से, उस पति से, उस कुल से उसको प्रेम है, इसलिए हुआ। समझ में आई बात? उस महिला को अपने पति के घर से, पति के कुल से, पति के गोत्र से, पति के परिवार से, पति के परिवारजनों से और पति से प्रेम है, इसलिए उस चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ गोत्र, चेंज ऑफ आधार कार्ड, चेंज ऑफ एवरीथिंग उसको स्वीकार किया उसने। और न केवल स्वीकार किया, वो अपने उसको अगर सरला बोल के बुलाओगे तो आ नहीं बोलेगी, वो विमला बोलेगे तो हाँ बोलेगी, इतना उसके अंदर वो रचपच गया। समझ में आया? उसी तरह से हम जो हैं मायके में, हम सब जीव हैं, हम सब जीव हैं, हमारा एक नाम है, हमारा एक रूप है, हमारा एक कुल है, हमारा एक गोत्र है। ससुराल के अंदर हम क्या है? सच्चिदानंद आत्मा है। ससुराल में क्या हम? आत्मा है। तो वो जो है वो हम आत्मा है ऐसा स्वीकार करते हैं कि आप लोग सच्चिदान मी सच्चिदानंद आत्मा है, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, इसको स्वीकार करते हैं क्या आप लोग? नहीं करते। इसको आप लोग स्वीकार करते हैं क्या? नहीं करते। तो आपसे वो लोग भले, तुमच्या पेक्षा ते 20-22 वर्षाची मुलगी बेटर, तुम्ही 70 वर्ष शास्त्र सांगू लागले, वेद सांगू लागले, उपनिषद सांगू लागले, गुरु सांगू लागले, संत सा, अरे बाबा तू जीव नाहीस, तू सच्चिदानंद आत्मा आहेस, मानून घ्यायला तयार नाही, मानने कोई तयार नाही। कब तक? 80 साल की उम्र तक, 90 साल के? नहीं नहीं नहीं, मी अमुक देशपांडे आहे, मी अमुक कुलकर्णी आहे, मी अमुक आहे, हेच यही। वो 21 साल की बच्ची मान लेती है, 21-22 साल की लड़की जब विवाह होता मान लेती हो, सही बात है कि नहीं? तो वो जो आइडेंटिटी का चेंज जो है, उस आइडेंटिटी के चेंज के लिए एक तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता। आपसे कहा जाए आपका नाम क्या, तुमसे नाम हाँ महेश है, हाँ अगर महेश से कहा जाए तुम्हारा नाम कल से सुरेश है, एक्सेप्ट करोगे क्या? हाँ? महेश को अगर कहा जाए तू कल से सुरेश है, मानेगा क्या वो? नहीं मानेगा। उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी का नाम उपासना है। और वो उपासना जो है वो उस वानप्रस्थ जीवन का अंग है। समझ में आई बात? तो इसलिए ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य ग्रही भवेत, श्रुति है, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य, ब्रह्मचर्य को समाप्त करके ग्रही भवेत, ग्रही भवेत यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, ग्रही भूत्वा वनी भवेत, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए? वनी हो जाना चाहिए, वनी भूत्वा प्रव्रजेत, उसके बाद जो है वो तैयारी अगर पूरी हो गई तो उसके बाद प्रव्रजेत। यहां एक प्रश्न, वानप्रस्थ अवस्था में मान लीजिए हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई, चेंज ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम तैयार नहीं हुए, तो क्या, तो क्या, तो क्या करें? संन्यास में जाएं ना जाएं? तो शास्त्र ये कहता है, जैसे हमारा कर्नाटका पीयूसी बोर्ड है, एक बार फेल हो गए फिर अटेम्प्ट, सप्लीमेंट्री फिर अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, कब तक? जब तक पास नहीं होते तब तक सप्लीमेंट्री देते हो। हमारा हिसाब लंबा है, हमारा हिसाब पाश्चात्यों की तरह जो है 60-70 साल का नहीं है, हजारों साल का हिसाब है। इस बार नहीं हुए पास, अगले साल पास हो जाएंगे, अगले जन्म में हो जाएंगे। और एक बात है बड़े महत्व की है, और मैं बता रहा हूं, इस जन्म में जो तैयारी हमने की वो अगले जन्म में वेस्ट नहीं होती, वहां से आगे शुरुआत है। ये बड़े महत्व का है। पिछले 2-3 साल पहले गीता के 6 अध्याय में हमने ये बात कही थी, विस्तार पूर्वक देखी थी। भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, इस जन्म में
जितनी तैयारी तुमने कर ली वो अगले जन्म में फिर जीरो नहीं होने वाला है। मान लीजिए इस जन्म में आपने 20% तैयारी कर ली, अगले जन्म में 21 से शुरू है। इस जन्म में आपने 50 तक तैयारी कर ली, अगले जन्म में 51 से शुरू है। ये लाभ है सनातन हिंदू धर्म में जो किसी धर्म में नहीं है। समझ में आई बात? तो ऐसा हमारा जीवन क्रम है आश्रमों का। ब्रह्मचर्य में विद्यार्जन, गृहस्थ में कर्मयोग, वानप्रस्थ में उपासना और संन्यास में ज्ञान, एक क्रम है, है? पहले क्या? पहले से रस्तेदार, उसके बाद क्या? उसके बाद तहसीलदार, उसके बाद क्या? उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद क्या? फिर डिप्टी कलेक्टर, जैसे सब तरफ है। वही व्यवस्था हमारे धर्म में भी है, वो हमारी संस्कृति में भी है। तो इसलिए भगवान कहते हैं असक्ति रणभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यंच समचित्तत्वं इष्टानिष्टोपपत्तिषु। 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की तैयारी, ज्ञान के साधनों का वर्णन जहां किया है, वहां भगवान कहते हैं कि असक्ति ही अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिषु। हमारा क्या है कि इस संसार में इतनी ज्यादा आसक्ति है हमारी, इतनी ज्यादा आसक्ति है कि जब वो छूटता है संसार तब बड़ा कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। आपने वो ये देखा फेविकॉल, मान लीजिए यहां पर फेविकॉल गिर गया, लग गया, कुछ काम कर रहे हैं, फेविकॉल यहां पर गिर गया, उसको निकालते समय क्या होता है? हाँ, वो जितना ज्यादा वो फेविकॉल का बॉन्डिंग जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा कष्ट होगा, होता है क्या? नहीं है कभी वो फेविकॉल क्यों, वो जो ये लगाते हैं हॉस्पिटल में क्या बैंडेड वो चिपकाते हैं ना पट्टी, हाँ, वो पट्टी निकालते समय हाय तोबा होती है कि नहीं होती है? क्यों होती है? क्योंकि वो पट्टी जो है, बैंडेड जो है, वो इतना ज्यादा चिपक गया है कि छूटते समय कष्ट होता, बड़ा कष्ट होता। अब ये जो संसार है ये हमसे चिपका ही रहने वाला है कि छूटने वाला है? सोच के देखिए, ये हमसे इसी तरह चिपका रहेगा या छूटने वाला है? ये संसार अगर आप छोड़ना भी नहीं चाहें तो भी काल जो है वो आपसे छुड़ाएगा, आप नहीं छोड़ सकते उसको, मगर काल जो है वो जबरदस्ती छुड़ाएगा। और जबरदस्ती बैंडेज को जब नर्स निकालती है, डॉक्टर निकालता है, उस वक्त क्या अवस्था होती है आपको मालूम है? तो इसलिए बैंडेड जब चिपकाते हैं ना तो एक कष्ट न हो उसके लिए एक उपाय, कष्ट न हो इसके लिए एक उपाय है। क्या उपाय है? पानी नहीं, वस्त्रा लेके ये रोए जो होते हैं ना इनको साफ करते हैं ब्लेड से, जो हार्ट के वगैरह सर्जरी होते ना तो छाती के बाल वगैरह सब वस्त्रे से साफ कर देते, बिल्कुल निकाल देते, तो उसके बाद बैंडेज चिपका, वो आसानी से निकलता है। असंग शस्त्रेण दृढ़े न छित्वा, तो उसके लिए वस्त्रा कौन सा है?
असंगता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, 15वें अध्याय में भगवान ने कहा, उस उस्तरे से, उस ब्लेड से, उस शस्त्र से ये आसक्ति जो है उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप चिपकाओ। हम ये नहीं करेंगे मत चिपकाओ, पुत्र दार ग्रहादिशु इनके ऊपर प्रेम मत करो, ऐसा नहीं कह रहे, मैं वो आसक्ति जो है उसके पहले उस आसक्ति को साफ करो, उस आसक्ति को साफ करो, उसके बाद जो तुम्हारा कर्तव्य है पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति जो कर्तव्य है उसका पूर्ण रूप से पालन करो, हम मना नहीं करते। असक्तिर अनभिष्वंग, अनभिष्वंग यानी क्या, अत्यंत आसक्ति। लोगों की आसक्ति इतनी जबरदस्त होती है कि वो छूटती नहीं। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कथा सुनाते हैं, पहले हम लोग जब बच्चे थे तो वो भिक्षुक आता था, वो जंगम, जंगम जो है वो भिक्षा मांगने के लिए आता था। आप लोग जंगम समझते हैं ना, लिंगायत संप्रदाय के साधु, वो भिक्षा मांगने आता, धर्म स्वयपा कर भिक्षा करके घंटी बजाते हुए आता था। तो एक महिला थी, उस घर में एक बहू थी, तो एक बार जो है वो धर्म स्वयपा कर भिक्षा के वास्ते जंगम आया, तो रोज जो है वो सास क्या करती थी कि एक कटोरी चावल उसको भिक्षा में देती, रोज का नियम था। तो एक दिन जो है वो धर्म स्वयपा कर भिक्षा करके घंटी बजाते हुए आया, सास नहीं थी घर में, बहू थी। तो बहू ने, नियम है रोज का रोज आता हो, तो एक कटोरी चावल लेके उसको भिक्षा डालती। भिक्षा डालने के बाद वो भिक्षुक जो है घर से बाहर जा रहा, उतने में सास आए बर स्वामी भिक्षा हाकता भिक्षा इल रेनिम सोसी हा क्या हाँ अखिया क्या हा? उसने भिक्षा डाली, किसने, बहू ने। रेधरा भिक्षुक को बुलाया, जंगम को बुलाया, बोले खाली कर झोली वापस निकाल। वो बेचारा घबरा गया, वो तब पहले तगी अनुमल झोली में से वो पूरा चावल निकाल, निकालने के बाद इसने फिर वो इकट्ठा किया, फिर एक कटोरी में डाला, स्वामी बर्दना भिक्षा हाकता, उसने फिर भिक्षा डाली। बोली क्यों, तो ये अधिकार मेरा, तू कौन, तेरा घर थोड़ी है, मेरा घर है, तेरा घर थोड़ी है, मेरा घर है, 60 साल से मैं इस घर के अंदर। बस सोचने की बात यह है, वो घर उस सास का है क्या, वो भी तो इसी तरह बहू बन के आई ना, सास भी कभी बहू थी है ना, वो भी 50 साल पहले, 60 साल पहले वो भी इसी तरह बहू बन के आई ना, फिर ये कहां से आ गया, ये मेरा है कहां से आ गया। घर के प्रति, संपत्ति के प्रति, बाकी व्यवहार के प्रति, ये जितने, जैसे उम्र बढ़ती चली जाती ना वैसे आसक्ति बढ़ती चली जाती, ये मेरा है। मैं जिन वस्तुओं को तुम मेरा कहते हो वो वस्तुएं कभी नहीं कहती ये मेरा है, मालिक है, ये नियम है। जिन वस्तुओं को तुम मेरा मेरा कहते हो वो वस्तुएं कभी नहीं कहती कि मेरा है। अब क्या हो जाता है, ऐसी बातें सुनने के बाद बहुत से सीनियर सिटीजन क्या करते हैं, दादा महाराज आता आज पासून त्याच्यात पढ़ाई चले, आज पासून ते काय काय करणार, मरणार का, आम्हाला काय करायचं घेऊन, आम्ही हरी हरी करत बसणार। बोलते हैं मुंह से, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते, भगवान ने वर्णन किया। आज पासों से चत पढ़ाई बोलते हैं, अब मन सारा उसके अंदर अटका रहता, वहां काय कर लाला की काय नहीं की, काय के नहीं की ससून, काय के नहीं की काय नहीं की, वृदन घाटली की नहीं की, साय काटली की नहीं की, हा? उसी के अंदर अटका रहता मन, मन नहीं जाता, मन वहीं रहता, आराम से बैठे हमारा काय कर रहता, काय का कर,
आम्ही सगळं सोडून आम्हाला महाराज सांग तुम्ही सांगितलं की झालं संपलं आता आजपासून त्याच्यात पडेल. मन जो है वो उसी के अंदर भटकता रहता, ये मन बड़ा बदमाश उसी के अंदर लगा काय करलेला आहे की काय दुकानाला गेलाय आता कितीचं विकतोय की किती आणतोय की किती घालतोय की किती लिहितोय की किती लिहित नाही की उसी के अंदर मन उसके अंदर लगा हुआ. वो मन की बात मैंने आपको बताई कई बार बता चुका हूं. मैं एक आदमी था वो गुरु के पास रहा ब्रह्मचर्य आश्रम हिमालय में. उसको ये संसार में क्या हो रहा है क्या चल रहा है कैसा क्या उसको कुछ नहीं मालूम. हिमालय में रहता था वो. एक बार उसकी विद्या पूर्ण हो गई उसको गुरु ने भेज दिया. बोले जा. आया आया एक शहर के अंदर आया देखा देखा तो एक शादी हो रही. एक आदमी को दूल्हे को घोड़े पे बिठा के लोग नाच रहे थे. बम्बई से आया मेरा दोस्त नाच रहे थे. इसने पूछा क्या है ये क्या चल रहा. बोले ऐसा है इसकी शादी हो रही. इसने पूछा शादी याने क्या. शादी याने अब ये घोड़े पे बैठ के वो दुल्हन के घर जाएगा वहां पाणी ग्रहण संस्कार होगा होम होगा विवाह होगा. विवाह होने के बाद इनको घर दिया जाएगा घर के अंदर ये रहेंगे ऐसा रहेगा वो रहेगा ये रहेगा परिवार होगा वो सब बातें बताई उसने. तो वो जो है मन कल्पना करने लगा. वो कल्पना करते करते वो रास्ते में एक कुआं था. कुएं की एक कुएं का कट्टा रास्ते ना बीच से कट्टा वो कट्टे के ऊपर बैठा बैठ के सोच रहा मेरा भी विवाह होगा मैं भी घोड़े पे बैठूंगा. हाँ मैं भी घोड़े के ऊपर बैठू. बम्बई से आया मैं लोग नाचेंगे फिर वो पाणी ग्रहण संस्कार होगा फिर वो घर होगा अमुक होगा तमुक होगा ऐसा सब सोचने लगा. सोचते 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 कल्पना देखिए कैसे आगे बढ़ रही. वो सोचते सोचते घर होगा घर के अंदर जो है अब देख रहा कल्पना कर रहा पति है पत्नी है दोनों लेटे हुए हैं रात में सोए हुए हैं सोए हुए हैं. तो इसने कहा कि थोड़ा तिकड़े तिकड़े सड़क. कौन बोल रही पत्नी बोली. ओ तिकड़े सरका थोड़ा सरक गया है बेचारा. अजून थोड़ा सरका अजून थोड़ा सरका तिकड़े सरका अजून सरका. वो सरकते सरकते वो जाके बावड़ी के अंदर गया. बावड़ी के अंदर जाके गया. अब गिर गया. अब गिरने के बाद क्या. अब गिरने के बाद लोग आए लोगों ने देखा वो हंसने लगा. वो आदमी बावड़ी में जो गिरा था कुएं में जो गिरा था वो हंसने लगा. लोगों ने कहा बेवकूफ है क्या तू बावड़ी में गिरा है हंस रहा है. बोला नहीं मैं वो सोच के हंस रहा हूं. बोला क्या. बोला सपने में कि इतनी डेंजरस असली वाली कैसी होगी. सपने में कि इतनी डेंजरस तो असली वाली कैसी होगी. तो मन जो है वो कल्पना करता रहता क्या चल रहा क्या चल रहा क्या चल रहा. इसको भगवान ने मिथ्याचार इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते. हमको क्या लगता रहता है. एक आदमी था वो ट्रेन में सफर कर रहा था. वो ट्रेन में सफर कर रहा था तो दो सूटकेस दो संदूक थे उसके. वो सिर के ऊपर लेके बैठा था अपने सिर के ऊपर लेके बैठा था. लोगों ने पूछा तू क्यों सिर के ऊपर डोरा ट्रेन है नीचे रख सीट के नीचे रख सीट के ऊपर रख कहीं रख. बोला नहीं नहीं वो ऐसा है ट्रेन के ऊपर लोड ज्यादा हो जाएगा उसका. ट्रेन के ऊपर लोड ज्यादा. तो हमको लोड उठाने की आदत हमको लोड उठाने की आदत है. बेटा कुछ कर रहा है उसके अंदर चमचा हिलाओ. बेटी कुछ कर रही उसके अंदर चमचा हिलाओ. बहू कुछ कर रही उसके अंदर चमचा हिलाओ. हमको आदत है वो सारा लोड हम सिर के ऊपर लेना चाहते. एक्चुअली क्या है कि इस लोड को कम करना है. वानप्रस्थ आश्रम मैंने क्या वो शास्त्र के अंदर जो आकृष्ट पच फलादि भक्षयित्वा वगैरह है वो ठीक है उस जमाने के हिसाब से ठीक है. आज क्या है आज के हिसाब में तात्पर्य क्या है. इस वजन को कम करना है जो हम कर नहीं पाते. इसकी वजह से तकलीफ होती है इसकी वजह से पीड़ा होती. देखिए वजन को कम क्यों करना है. सोचिए वजन को कम क्यों करना है. इसलिए करना है क्योंकि
लाइटर द लगेज, इजियर द जर्नी। ये नियम है। आप मान लीजिए कहीं जा रहे, बंबई जा रहे, अब दो सूटके, दो कंधे में लटकाने के बैग, दो झोले, एक बिस्तरा और ये सब सामान अगर होगा तो कैसे चलेंगे आप बताइए? बस स्टैंड के ऊपर कैसे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे कैसे जाएंगे, दादर स्टेशन पे उतरेंगे कैसे आएंगे, क्या करेंगे आप? हाथ दर्द देगा, कंधा दर्द देगा, गिरेंगे पड़ेंगे। और मान लीजिए किसी के पास केवल एक सूटकेस है तो आराम से जाएगा। आगे का जो सफर है, मैं ये कहता ना, हमारा लॉन्ग टर्म जीवन लंबा हिसाब है, आगे अनेक सफर है, एक नहीं है, ध्यान दीजिए, अनेक यात्राएं हैं, अनेक जन्मों की अनेक यात्राएं। और ये लगेज प्रत्येक जीवन में बढ़ता चला जाता, और वो लगेज साथ में आता है। वो लगेज जो है ना, इस जन्म में मान लीजिए 4 बैग हैं, तो अगले जन्म में 6 बैग हो जाएंगे, उसके अगले में 8 हो जाएंगे, उसके बाद इतना ज्यादा बोझ हो जाएगा, फिर आप यात्रा ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि लगेज को कम करो, सामान कम करो। सामान यानी क्या? सामान यानी यही तुम जो हर चीज में टांग अड़ाते हो ना, वही सामान है। दुकान में क्या हो रहा है, व्यापार में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, हाँ किचन में क्या हो रहा है, अरे तेरा काम क्या है? ईश्वर आराधनम करोति, ईश्वर का आराधन करना इस उम्र में तेरे लिए श्रेयस्कर है, वो तू कर। जब तक तेरा मन जो है इन चीजों के अंदर फंसा रहेगा, तब तक तेरा सामान बढ़ता चला जाएगा, लगेज बढ़ता चला जाएगा। और फिर लगेज एक बार बढ़ गया तो फिर उसको ढोना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसको हम समझते नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमको सारी चिंता हमको करनी है, वो हमारी जिम्मेदारी है, सारी चिंता हमको करनी। चला चला क्या करते कोणाला बुलाना, चला क्या करते, वो चिंता मुझे करनी। बहू को अकी गिनती, वो भी चिंता मेरे को करनी। और चिंता करके 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 हम क्या करते हैं, हमारे सामान को बढ़ाते हैं, लगेज को बढ़ाते हैं। तो इसलिए कहने का मूल तात्पर्य ये है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, तो उस आदमी को मैंने यही कहा, देख भाई तेरा जो अब उम्र है वो ईश्वर आराधन करने की उम्र है, वानप्रस्थ की उम्र है। अब वो बेटा लकड़ी की दुकान लगाता, कोयले की दुकान लगाता, कपड़े की दुकान लगाता, सोने के, तुझे क्या करना है? तू अपना माणिक माणिक जय गुरु माणिक करते हुए बैठ, देखते रहे, आनंद मना। और दूसरी बात ऐसी है महत्व की कि पुत्र अगर योग्य हो, पुत्र अगर योग्य हो तो उसके लिए अधिक चिंता करने की, उसके लिए अधिक जमा करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्यों? योग्य है वो, हाँ। और पुत्र अगर अयोग्य है तो भी करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्यानाश करने वाला है उसका। पुत्र अगर योग्य है तो उसके लिए कुछ ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता, वो संभाल लेगा, अपने आप कर लेगा। अगर अयोग्य है तो, अयोग्य है तो वैसे भी सत्यानाश होना, ऐसे भी सत्यानाश होना, तुम क्या कर सकते हो? तो इसलिए जो है एक उम्र तक आने के बाद, इसलिए सरकार भी जो है ना, सरकार भी धर्मशास्त्र का, जितना भी धर्मनिरपेक्ष कह ले अपने आप को, वह धर्मशास्त्र का थोड़ा थोड़ा पालन करती है। 60 साल में रिटायरमेंट, ये रिटायरमेंट के बाद दूसरी नौकरी ढूंढता है। आए मेरे पास बहुत से लोग, महाराज या वर्षी हमसे रिटायरमेंट है, फार बार झालं या माणिकन मध्ये रहा प्रभूची सेवा, नाही काय आहे एक कन्सल्टिंग करावं म्हणलं, कन्सल्टिंग, कन्सल्टिंग काय, कन्सल्टेशन लोकाला सांगायचं, लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाशा, कन्सल्टेशन। तो एक उम्र तक आते आते हमको जो है
इस बात को स्वीकार कर लेना, देखिए मेन चीज एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना चाहिए कि अब जो है ये गाड़ी लोड उठाने के काबिल नहीं है, कल या परसों, या काम चल रहा है ना बाहर, हमारा संस्थान का ट्रैक्टर है, वो हमारा संस्थान का ट्रैक्टर करीब 15 साल पुराना है बेचारा, वो रिटायरमेंट को आ गया, उसके अंदर हमारे लोगों ने पत्थर भर दिए, खूब पत्थर भरे और भर के जो है वो ट्रैक्टर को यहाँ से ऐसे चढ़ाने की कोशिश कर रहे मिट्टी के ऊपर टेक में, वो घोई करके टायर वहीं घूम रहे, वो चढ़ ही नहीं रहा। फिर कोई होशियार था उसमें, उसने कहा ए लोड ज्यादा हो गया, पत्थर कम करो उसमें के पत्थर कम करें, आधे पत्थर कम करने के बाद फिर वो ट्रैक्टर ऊपर चढ़ा, देखा मैंने उसको, लोड ज्यादा हो गया उसमें। तो शरीर की, बुद्धि की, मन की शक्ति जो है वो कम होने लगती है, और जैसे जैसे वो शक्ति, इंद्रिय की शक्ति कम होने लगती है, वैसे वैसे हमको उसके ऊपर का जो प्रेशर है, उसके ऊपर का जो तनाव है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस है, उसको कम करना चाहिए। और कम करके क्या करना चाहिए, अगले आश्रम की तैयारी, ज्ञान योग की तैयारी, यानी क्या, उपासना। प्रभु चरित्र में भी एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐसी घटना है जिसका मेरे ख्याल से जयंती में व्याख्यान हुआ, तो दयालदास नामक भक्त, उसको मैं कथा विस्तार से नहीं सुनाऊंगा, उसको जो है भगवान राम के दर्शन की इच्छा थी, प्रभु महाराज से उसने कई बार कहा कि मुझको रामचंद्र जी का दर्शन करना है, प्रभु महाराज कहते ठीक है करवा देंगे, आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, टालते गए। जब अत्यंत उत्कटता के साथ उसने प्रभु से कहा कि मुझको अब दर्शन करना ही है रामचंद्र जी का, तो प्रभु ने उससे क्या कहा, वो मद्रास का रहने वाला, क्या बोले, तो प्रभु ने कहा कि जाओ अपनी संपत्ति पूरी बांट दो, लोड कम करो, पहले लोड कम करो, वजन कम करो, वो सारी संपत्ति पहले बांट दो, उसके बाद जो है आओ। उसने वैसा ही किया, सब कुछ बांट दिया, उसने निश्चिंत हो गया, सारा वजन लगेज पूरा खलास कर दिया, खाली कर दिया, उसके बाद प्रभु ने उसको दर्शन। तो मूल समस्या यह है कि वो जो बैंडेड है वो निकलते समय बड़ी तकलीफ देता है, इसलिए उसका विचार करके और लगाने से पहले रोएं जो हैं उनको साफ करना आवश्यक है। और वो जो है कब कर सकते हैं, हम गृहस्थ आश्रम में कर सकते हैं क्या, नहीं, गृहस्थ आश्रम में तो खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब पियो, खूब करो, सब कुछ करो, धर्म संगत। और एक उम्र होने के बाद 55-60 जो भी शरीर की जैसी अवस्था है, उसके बाद जो है इसमें से मन को हटाना है, वन में जाके रहने का तात्पर्य जंगल में जाके रहना नहीं है, आज वो संभव नहीं है, आज कहीं भी जाओ किसी से किसी का प्लॉट होगा, जंगल में भी प्लॉट है, वो ट्रेसपास का मुकदमा कर दिया, ये आके मेरे जंगल में आके बैठ गया। पुराने जमाने में कैसा था, जंगल थे, कहीं भी जाओ, कहीं भी झोपड़ी बना लो, कहीं भी रह लो, आज वैसा नहीं, संभव नहीं है, जंगल तो है ही नहीं, और जहां है वहां सब नेशनल पार्क है, वो सब कान्हा नेशनल पार्क है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जंगल कहीं नहीं है। तो जंगल में फिजिकली सशरीर आप नहीं जा सकते, मन को तो भेज सकते हैं ना, मन वैराग्य वनात भकोरे देई मला इतुके रवा, ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो हैं वो इस एज ग्रुप के जो हैं, हमारी एज ग्रुप के जो हैं, उन लोगों के अंदर ये इस विषय में विचार करने की शक्ति प्रभु महाराज दें, और विचार करके तदनुसार आचरण करने की शक्ति भी प्रभु महाराज दें, ऐसी प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आज के इस विचार मंथन को यहाँ विराम देता हूँ।
अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।